आपको बता दें, प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चार जिलों में दो दिन का लॉकडाउन जारी रहेगा। चार जिलों में आज और कल लॉकडाउन रहेगा, यानी कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा। अगर इन चार जिलों की बात की जाए तो इनमें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल में दो दिन का लॉकडाउन है, इसी के साथ उधम सिंह नगर में भी दो दिन का लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा। लॉकडाउन वाले जिलों की सीमाएं भी सील रहेंगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आपको बताएं, कल इस पर विचार विमर्श हुआ था, इस पर मंथन हुआ था, इस फैसले पर कि जो लॉकडाउन है इसको जारी रखा जाए या नहीं। वैसे में अब मंथन करने के बाद प्रशासन ने जो दो दिनों का लॉकडाउन है इसको जारी रखा है। तो आपको बता दें कि चार जिलों में आज और कल जो लॉकडाउन है वो जारी रहेगा। इन चार जिलों में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर शामिल है। इन चारों जिलों में दो दिन का लॉकडाउन जारी रहेगा। शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से ये जिले जो है लॉकडाउन रहेंगे, लॉक रहेंगे, और इन जिलों की जो सीमाएं हैं वो भी बंद रहेंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला जो है वो लिया गया है। आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो उन आंकड़ों को देखते हुए अब ये फैसला जो है वो लिया गया है। तो आपको बता दें कि दो दिन का जो लॉकडाउन है वो चार जिलों में जारी रहेगा। तो वहीं हमारे सहयोगी अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार कल इस पर मंथन कर रही थी, इसके बाद यह फैसला लिया गया कि जो लॉकडाउन है, जो चार जिले लॉक किए जाते हैं वो लॉक रहेंगे। तो ऐसे में वहीं जहां सरकार एक तरफ कह रही है कि इनके पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो सरकार को मिल रहे हैं, पर जब कोरोना के आंकड़ों की तरफ नजर जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार विफल नजर आ रही है। क्योंकि अगर पिछले शुक्रवार की बात की जाए तो 272 नए मामले प्रदेश में आए हैं। बिल्कुल अभिषेक, उत्तराखंड सरकार ने एक फैसला किया है कि इस शनिवार और रविवार यानी आज और कल पूरे प्रदेश के चार जनपद, उसमें राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल को पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। जो लगातार कोरोना संक्रमण के नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं उसके चलते सरकार ने यह व्यवस्था बनाई है। पिछले हफ्ते से इसको लागू किया गया है। हालांकि वीकेंड्स को लेकर क्या बंद होगा या नहीं होगा इसको लेकर मंथन लगातार होता रहता है, और इसी तर्ज पर बीते रोज भी मंथन किया गया। शासन स्तर पर तमाम जिलों से रिपोर्ट तलब की गई थी मुख्य सचिव की तरफ से, और जिसमें चार ये जनपद हैं, इन चारों ही जनपद के जिलाधिकारियों ने रिपोर्ट अपनी सौंपी थी कि चारों जनपदों को लॉकडाउन किया जाए दो दिन के लिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है बिना लॉकडाउन किए इसका फायदा नहीं होगा। हालांकि पिछले हफ्ते भी लॉकडाउन किया गया था और सरकार ने इसको अपनी बड़ी सफलता बताया था कि इसके अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले हैं, लेकिन इस हफ्ते के दौरान देखा गया है कि उत्तराखंड का सबसे ज्यादा एक दिन का आंकड़ा भी इसी हफ्ते में निकलकर आया। लगभग 450 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मरीज इसी हफ्ते में निकलकर सामने आए हैं। एकाएक हरिद्वार में एक कंपनी के भीतर 150 के करीब मरीज निकलकर सामने आए। ऐसा ही कुछ मामला देहरादून के सेलाकुंज क्षेत्र में भी निकलकर सामने आया, जहां पर एकाएक एक कंपनी में काफी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले निकलकर सामने आए। तो सरकार दावे जरूर कर रही है, लेकिन सरकार को और गंभीरता के साथ निर्णय लेने होंगे। हालांकि यह बड़ा फैसला है, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, इन चार जनपदों को लॉकडाउन किया गया है शनिवार रविवार के लिए। बड़ी सफलता कहीं इस लिहाज से जा सकती है क्योंकि चारों ही बॉर्डर जनपद हैं, अन्य राज्यों से सीधे तौर पर जुड़ते हैं। अगर बॉर्डर सील रहते हैं तो अन्य राज्यों से आने वाले लोग उत्तराखंड में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और स्थानीय स्तर के जो लोग हैं उनका भी आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। केवल आवश्यक सेवाओं को ही यहां पर खोलने की अनुमति दी गई है। तो सरकार गंभीरता से निर्णय जरूर ले रही है। साथ ही अगर सरकार की बात की जाए, जो कोरोना के लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, सरकार का साफ तौर पर कहना है कि टेस्टिंग ज्यादा की जा रही है, इसी का नतीजा है कि नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर टेस्टिंग स्लो हो जाएगी तो मामलों में भी रफ्तार है वो धीमी पड़ेगी, लेकिन सरकार अपना काम बेहतर कर रही है जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, उसी का नतीजा है कि जो नए मामले हैं वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। जी अजीत, लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं, बने रहिए आप हमारे साथ, अभी कुछ समय में आपका रुख करेंगे।